हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम आ गए हैं एक बढ़िया सा टॉपिक लेकर के। सबने सोचा होगा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली, उसका यूज क्या है? इंजीनियर बनना चाहते हैं? यस। अगर हम इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है ट्रिग्नोमेट्री से बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना। अपनी डेली लाइफ में इसका क्या यूज है? सपोज करो कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और एक कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग सामने खड़ी है। मेरे को मालूम नहीं है कि बिल्डिंग की हाइट क्या है, मगर मैं ये मेजर कर सकता हूं कि उसके वहां पर मैं अगर देखता हूं तो वो एंगल कितना है। अगर मेरे को एंगल पता चल गया, मैं उस टावर से कितना दूर हूं ये पता चल गया और मेरे को 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री आती है, तो मैं उस टावर की हाइट निकाल सकता हूं। तो आज हमारा टॉपिक क्या है? सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, दैट इज कैलकुलेट हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, the simple application is with some proper definitions of 4-5 elements. The first is object. अभी मैं टावर को देख रहा हूं तो टावर मेरे लिए क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अगर मैं टावर के ऊपर खड़ा हूं और नीचे कोई स्टोन पड़ा है उसको देख रहा हूं तो वो स्टोन क्या हो गया मेरे लिए? ऑब्जेक्ट। जिस चीज को हम देखना चाहते हैं वो चीज क्या है? ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज लाइन ऑफ साइट। मैं कोई काइट उड़ा रहा हूं तो जो काइट का स्टेट स्ट्रिंग है वो क्या है? लाइन ऑफ साइट। या अगर ये टावर है, ये कोई पर्सन है, इस आई लेवल से स्ट्रेट हाइपोटेनियस, दैट इज लाइन ऑफ साइट। थर्ड इज हॉरिजॉन्टल लेवल। हम अर्थ पे खड़े, प्लेन सरफेस पे खड़े, दैट इज हॉरिजॉन्टल लेवल। या हम किसी टावर के छत पे खड़े और नीचे पड़े हुए स्टोन को देख रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल लेवल। कुल मिला के इफ दिस इज माई आई लेवल देन दिस आई लेवल इज हॉरिजॉन्टल लेवल। सिंपल। एंगल ऑफ एलिवेशन, सपोज टावर इज हियर 50 मीटर्स अवे, बट व्हेन वी सी फ्रॉम दिस हॉरिजॉन्टल लेवल इज दिस मच, बट आई वांट टू मूव दैट लेवल, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लेवल एंड आई वांट टू मूव माय आई लेवल टू दिस पॉइंट। Then this angle from this pen and the scale, this level is said to be angle of elevation, that is theta. Angle of elevation क्या हुआ? वापस समझो। वो सामने टावर है, मैं यहां पे खड़ा हूं, ये मेरा हॉरिजॉन्टल लेवल है, मेरे आई का हॉरिजॉन्टल लेवल है। अब मेरे हॉरिजॉन्टल लेवल को आई को मेरे को कितना ऊपर मूव करना पड़ रहा है? दिस डेविएशन, ये जो डिफरेंस आया देखने में, ये क्या कहलाया? एंगल ऑफ एलिवेशन। वेरी सिंपल। अब इसी जगह क्या होता? मैं होता छत के ऊपर और नीचे पड़ा हुआ एक स्टोन। अब देखो मेरा हॉरिजॉन्टल लेवल तो ये है और मैं देख रहा हूं अब नीचे स्टोन को। अब जब मैं नीचे देख रहा हूं तो ये जो चेंज आया, दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो जब हम ऊपर हैं और ऑब्जेक्ट नीचे है तो क्या बनता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। और जब हम नीचे हैं, ऑब्जेक्ट ऊपर है, तो क्या बनता है? एंगल ऑफ एलिवेशन। बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगा। अब क्या करते हैं हम? सपोज करो कि हम टावर से इतना दूर है एंड एंगल ऑफ एलिवेशन इज 75 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन इज 75 डिग्री। अब अगर मैं पास में जाता हूं तो कैसे देखूंगा टावर को? गर्दन और ऊपर करनी पड़ेगी, तो एंगल कितना हो गया? 85। थोड़ा और पास में चले गए, 87। तो जैसे जैसे हम पास में जा रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता जा रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है। ये 75 डिग्री पे था, अब मैं पीछे आता हूं 60 हो जाऊंगा, और पीछे आता हूं, जैसे जैसे मैं दूर जाता जाऊंगा एंगल ऑफ एलिवेशन डिक्रीज होता जाएगा। इट मींस अगर मैं बहुत दूर चला गया, ये एंगल था 60 डिग्री, और जब मैं टावर से और दूर चला गया तो एंगल हो सकता है 30 डिग्री हो जाए, और अगर मैं टावर के पास आ गया तो हो सकता है एंगल 75 डिग्री हो जाए। So angle is increasing when we are approaching towards the tower and angle is decreasing when we are moving away from the tower. Correct? अब इसकी application, इसका use कैसे करते हैं? बहुत ही fast, simple way में। Suppose करो, victory stand देखा, victory tower देखा, चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ बोलते हैं उसको। उसकी height है 122 feet. महाराणा कुंभ ने बनवाया था, मेवाड़ के महाराणा कुंभ।
122 फीट हाइट है उसकी, अ पर्सन इज स्टैंडिंग है, वांट टू मेजर द हाइट. अब कैसे वो हाइट मेजर करें? सपोज वी हैव नो आइडिया ऑफ दिस हाइट 122 फीट, हमको पता नहीं है. हम वहां चित्तौड़ देखने गए और हम यहां खड़े हैं. वी वांट टू मेजर दिस हाइट ऑफ द विक्ट्री टावर. सपोज दिस हाइट इज एच, बट फ्रॉम द बेस ऑफ दिस टावर टू द पर्सन वी कैन मेजर वेरी इजीली दिस डिस्टेंस, सपोज x meters. Now you know the trigonometry. H upon x is nothing but 1045. If this distance is measured 122 feet and you know 1045 is 1, hence h equals to nothing but 122 feet. Easy? Kul mila ke humko do cheez pata honi chahiye, any one angle and any one distance. Or now we start some basic simple questions of exercise 9.1. First question is, a circus artist is climbing a 20 meter long rope. 20 meter long rope, which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole. Suppose this is the vertical pole. AB is the vertical pole and this is the rope 20 meter in length. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground. Suppose this is the ground. And this angle is given to you this time 30 degree. Our aim is to calculate height of pole. Now you know the triangle, say ABC. In triangle ABC, we have AB divided by BC equals to 1030. And you know AB upon AC equals to sine 30, perpendicular divided by hypotenuse. What is given to you? AC is given to you. Sine 30 you know very well, hence h equals to 20 by 2, that is 10 meters. Yani ki is pole ki height kitni thi? 10 meter. Aur rope kitni bandhi thi? 20 meter. Suppose the second part of the question, what is the distance BC? Then how we calculate? Substitute here. AB you know 10 meters, BC we want to calculate, and 1030 you know 1 by root 3. So what is BC? BC equals to 10 into root 3. So in this way, in a triangle we have three sides. Wo aapko kya karenge? Ek side de denge, ek angle de denge. Aur in dono ko use karke aap chaho to base nikalo, aap chaho to height nikalo. Bas simple questions hai. एक और क्वेश्चन लेते हैं. क्वेश्चन नंबर टू, अ ट्री ब्रेक्स डाउन ड्यू टू स्टॉर्म. अभी आया था बंगाल में. अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री. ये पहले ट्री था, अब टूट कर इतना रह गया. ये ब्रोकन पार्ट थोड़ी देर बाद टच हो जाता है ग्राउंड को by making an angle of 30 degree with the ground, horizontal plane say 30 degree. This is h, is the same as h. Same part toot karke hypotenuse ban gaya. Is it? No. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meters. This gap is given to you 8 meters. What is the total height of the tree? This is h and suppose this is capital H. First we have to calculate using this 30 degree and 8 capital H. How we calculate? Perpendicular divided by base equals to, you know, 1030. And 1030, you know, 1 by root 3. Hence, H equals to 8 by root 3 meters. Simple. Kya kiya? Triangle ko consider kiya, theta liya aur base kiya. Now I want to calculate H, hypotenuse. So base upon hypotenuse. This is base upon hypotenuse. You know cos 30. What is cos 30? Root 3 by 2. So h equals to cross multiply 16 by root 3. Now when you know the h and when you know the capital H, what was the tree before the stroke? That is total height of the tree
16 by root 3 plus 8 by root 3. That is 24 by root 3 meters. And since root 3 in the denominator, you know from class 9 how to rationalize. 24 root 3, we divide by 3, that is 8 root 3 meters. Total height thi us tree ki. Easy. Jo size pata nahi hai, wo aapko find out karni hai. This is the major object of the topic known as heights and distances. एक और क्वेश्चन लेते हैं. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. आपको ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद होनी चाहिए और सिंपल आइडिया होना चाहिए. थर्ड क्वेश्चन. अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल टू स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 इयर्स. शी प्रेफर टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5. टॉप इज हाइट ऑफ 1.5 मीटर्स एंड is inclined at an angle of 30 degree to the ground. This angle is given to you, 30 degree. Where is the elder children? She wants to have a steep slide at a height of 3 meters. The second one is 3 meter height. And the slope is given as 60 degree. Bacche bade hain, bacche chote hain. Dekha hoga na aapne kai jagah garden mein. Correct. So, the question is, what should be the length of the slide in each case? We want to calculate L1 and L2. These are the length of the slides. It means we want to calculate hypotenuse. Now you know, what is the relation between perpendicular and hypotenuse? Sine theta. So, perpendicular upon hypotenuse equals to sine 30. And sine 30 you know half. So, L1 cross multiply 3 meters. Second one, the same L2, we want to calculate, 3 is given, this time sine 60. What is sine 60? Root 3 by 2. So L2 equals to cross multiply, 6 by root 3. 6 by root 3. You want to rationalize? Yes. So multiply and divide by root 3. What we are getting? These two will become 3. 3 cancel out to this 6. 2 root 3 meters. So the slant height, that is L2, is 2 root 3 and L1 is only 3 meters. Simple. One more. Question number 4. Aaya samajh mein? Yes. Fourth sir. The angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower. This time 30 meter away from the foot of the tower and angle is 30 degree. Find the height of the tower. Ab batao. Is bar aapko base de diya aur h puch liya. Perpendicular upon base equals to 10 30, and 10 30 you know very well, 1 by root 3. Hence, h equals to 30 by root 3. Whenever root 3, root 2, root 5 are in the denominator, we have to rationalize it. So, multiplying and dividing by root 3, this will become 3. So, answer is 10 root 3 meters. And, you know, root 3 means 1.732. Answer 7.32 meters. Easy? Fifth sum. A kite is flying at a height of 60 meters. This time this height is given 60 meters. Above the ground, the string is attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degrees. This time it is given to you 60 degrees. Find the length of the string. Batao kya cheez chahiye is baar? Length of the string. Same as slides. So what is the relation between perpendicular and hypotenuse? Perpendicular upon hypotenuse is sine. So here we write sine 60, and sine 60 you know root 3 by 2. Our aim is to calculate L. So cross multiply 120 by root 3. Rationalize. Now tell me 120 by 3. This will become 3. And root 3 value you know very well. 1.732. Simply multiply and get the answer.
So 1.732 into 40. 4 to 8, 1, 69, and 0, we want 3. 69.280 meters will be the height of the, the length of the string. Easy? तो यहां तक हम कंप्लीट करते हैं इसके आगे के क्वेश्चन अगले लेक्चर में. तब तक आज के क्वेश्चंस को फिर से करेंगे. ओके अच्छा लग रहा है मैथ्स पढ़ना तो लाइक करेंगे, दोस्तों को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना तो भूलना नहीं. ओके टेक केयर, गुड बाय.